जय बाबा की भक्तों, आज रामदेवरा पैदल यात्रा का 7वां दिन है। सुबह हम बाप से चले थे और करीब 15 किलोमीटर पार करते हुए शेखासर में हमने दिया था अपना दिन का स्टे। उसके बाद शेखासर से हम चले हैं, रामदेवरा भी हमसे 35 किलोमीटर दूर है। काफ़ी शानदार है हमारा सफ़र, लेकिन सफ़र अपनी परिणति की तरफ है। थोड़ा अटपटा लग रहा है कि इतना जल्दी सफ़र पूरा हो रहा है, कुछ दिन और होता तो बेहतर था। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं, मस्ती करते हुए प्रकृति के साथ समय बिताते हुए। कब समय चला गया पता ही नहीं चला, ये 7 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। काफ़ी अच्छा सफ़र है हमारा, साथ बहुत अच्छा है, संग बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि थकान नहीं हो रही है। मस्ती करते हुए जा रहे हैं, बाबा के जयकारे लगाते हुए सब अपनी धुन में मस्त हैं। हम यहाँ शाम को 6:30 बजे आ गए हैं और पीछे का नज़ारा दिखाएं आपको। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, अस्त होता हुआ सूरज अपनी स्वर्णिम आभा लिए हुए। ये सोनामुखी का खेत है किसी का, और इधर देखें हमारा संघ रुका हुआ है दूर। यहाँ डेरा लगा है हमारा, डेरे के लोग बैठे हैं, साथी संगी बैठे हैं, और ये ज्योति इधर से कॉफ़ी चाय कुछ लेके आ रही है हमारे लिए। और इधर हमारे काकी जी बैठे हैं, घर बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत घर बनाए थे सुबह हमने, और अब फिर बना रहे हैं। पूरा बनने के बाद देखेंगे घर कितना शानदार बनता है। कई मंजिले मकान पीछे हम बना के आए हैं, 2 बेटे हैं, दोनों के मकान बना लिए हैं, अब खुद का मकान बन रहा है, तो बड़ी मेहनत हो रही है। कल हमारा स्टे बाप से थोड़ा पहले था, सुबह जल्दी जल्दी हमने बाप को क्लोज किया है। अंधेरा है, काफ़ी घना है यहाँ पे, सुबह के 4 बजे हैं, भंडारे लगे हुए हैं बाबा के। और उसके बाद आगे जब जैसे जैसे दिन चढ़ा, पहले दिन की जो भंडारों में गंदगी है ये इस तरह से साफ़ की जाती है, लेकिन भक्त है वो जगह जगह इस तरह से कचरा बिखेरते चले जाते हैं, डस्टबिन में कचरा नहीं डालते हैं। तो एक तो भंडारा जमाने में, और उसके बाद इसकी सफाई में इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो बाबा इनकी हर मनोकामना को पूरी करें। आगे बढ़ते बढ़ते हम उस जगह आ गए हैं जहाँ हमें दिन का नाश्ता देना है। ये हमारा संग बैठा है सुबह का नाश्ता लेने के लिए, किसी का घर है शायद ये, इस घर में हमको उतारा गया है, रोका गया है। तो सुबह के समय इस तरह सूरज को उगते हुए को देखना, और गांव के घरों को देखना जहाँ पशुपालन है इनका, बकरियां है, घर है, पीछे बना हुआ झोंपड़ी है इनकी, तो ऐसे प्राकृतिक वातावरण में सुबह सुबह नाश्ता करना अच्छा लग रहा है। नेचर के साथ बिताने का एक बहुत अच्छा मौका है ये, प्रकृति के साथ बिताने का, गांव के जीवन को नज़दीक से देखने का बहुत अच्छा मौसम है ये, बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के पास जो हमें 10 दिन के लिए मिला है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है आपको यहाँ ग्रामीण संस्कृति के दर्शन अच्छे से होंगे, कहीं आपको ऊँट गाड़ा दिखाई दे रहा होगा, और कहीं भक्तों की भीड़ है जो जयकारे लगाते हुए चली जा रही है, कहीं पर आपको लंगर दिखाई देगी, बड़े बड़े भंडारे दिखाई देंगे जहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, नहाने धोने की व्यवस्था भी होती है। भक्तों की भीड़ इस तरह लंबी लंबी सड़कों को पार करते हुए चले जा रही है। यहाँ कुछ गांव हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए लग रहे हैं, ज़्यादा पक्के मकान यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, विकसित गांव नहीं है, विकासशील गांव हम इसको कह सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रामीण संस्कृति की झलक आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। बीच बीच में इस तरह से जो भंडारे लगे हैं वहाँ आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया हुआ है, उड़ता हुआ बाबा का घोड़ा। और उसके बाद हमने नहर को पार किया, काफ़ी लंबी नहर है, काफ़ी गहरी भी है, और भक्तगण अपनी थकान, जो लंबी दूरी की थकान है, उसको मिटाने के लिए सुबह सुबह इसमें स्नान कर रहे हैं। स्नान करने से अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी इनकी, कोई तैराक है वो तैर भी रहा है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, गिरने के चांसेस बहुत है, बार बार पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है कि नहर गहरी है इसके अंदर नहीं जाएं, लेकिन फिर भी भक्त हैं वो इन बातों की परवाह किए बगैर इस नहर में डुबकी लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोनों तरफ काफ़ी भीड़ है, और भक्त हैं वो नहाने में और इस तरह स्विमिंग का मज़ा लेने में मशगूल है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भक्तों के साथ साथ ये गायें भी बाबा रामदेवरा के लिए पैदल रवाना हुई है, संग लेके चली है। काफ़ी गायें हैं यहाँ पर, पीछे हमने काफ़ी दूर तक देखा कहीं गायें नहीं थी, भेड़ और बकरियाँ ज़्यादा थी, लेकिन बाप के बाद ये गायें हमें काफ़ी दिखाई दे रही यहाँ पर, शायद चारागाह अच्छा है इसलिए। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ नुमा पहाड़ी टाइप की है, चट्टाने हैं,
जहाँ पे लोग घर बना रहे हैं अपने, और हम अपनी थकान को मिटाने के लिए यहाँ थोड़ा इन्जॉय करने के लिए रुके हैं। फ़ोटोशूट हो रहा है हमारा यहाँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का समय है, आप अपनी थकान मिटाने के लिए ऐसे मनोरंजक कार्य यहाँ कर सकते हैं। और सीन यहाँ से बहुत अच्छा है। थोड़ी ऊंचाई पर है ये चट्टाने। ये बड़ा भंडारा लगा हुआ है जहाँ आपको गरम गरम जलेबी, एकदम गर्मा गर्म जलेबी, कचौरी, समोसा, ये सारी चीज़ें सुबह सुबह नाश्ते के लिए मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा भंडारा है, काफ़ी दूरी तक रसोई बनाई गई है इनकी। पीछे बहुत सारे वर्कर हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई समोसे बना रहा है, कोई कचौरी बना रहा है, और कुछ ये गरम गरम जलेबियाँ बना रहे हैं। तो ऐसे भंडारे आपको यहाँ बहुत देखने को मिल जाते हैं। ये उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कहीं आपको पानी मिलेगा, कहीं सड़कें टूटी हुई है। तो खाली मिट्टी ही नहीं, ये पानी और ये टूटी हुई सड़कें भी आपको परेशान कर सकती है, बाबा के दरबार में आने में थोड़ी सी बाधा पैदा कर सकती है। लेकिन यदि आपके हौसले बड़े हैं तो आप इन सबको पार करके निकल जाएंगे। मकान बहुत खूबसूरत मकान है, बहुमंजिला मकान है। ये बाहर की दीवार है इसके, ये गेट है और ये मकान है। बाहर इसके बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं। इसे पता चलता है कि हमें प्रकृति बहुत पसंद है। ये देखो इतने बड़े बड़े झाड़ हैं और इन पे फूल भी आए हुए हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं। तो धन्यवाद है आपको इतना सुंदर मकान बनाने के लिए। आप भी बता सकते हैं, आप साथ आकर बना सकते हैं। ये हमारी छोटी भगत है, सबसे छोटी है संग में, लेकिन सबसे मस्त है और सबसे ज़्यादा कामल है, काम करती है। क्या काम करती है अनीता? हाँ, पानी जलाती है, बाल्टी भरती है। पढ़ती है क्या? पढ़ती नहीं है, स्कूल नहीं जाती है। कौन सी क्लास में? दूसरी क्लास में। पढ़ती भी है लेकिन अब बाबा के संग में आई है सेवा के लिए, और ये सबकी सेवा करती है। इसके पापा भी सेवा करते हैं, वो पैदल यात्री हैं और ये सेवा करती है सबकी।